Assalamu alaikum and welcome to back my vlog. और अभी मेरी मॉर्निंग हुई है और आज मैं आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी, यानी कि डेली रूटीन दिखाऊंगी कि मैं पूरी रूटीन में करती क्या हूँ अपनी. तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. और अभी मैं आ गई हूँ फ्रेश होके, आपको मेरे बाल भी दिख रहे होंगे, मैं नहाकर आ चुकी हूँ, देख सकते हैं आप, ठीक है, गीले हो रहे हैं. और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं ब्रेकफास्ट में अपने क्या खाती हूँ, फिर मैं आपको लंच दिखाऊँगी, फिर मैं थोड़ी सी आपसे गपशप करूँगी. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और अभी मैं अपना करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि जो मेरी मम्मी ने मुझे ब्रेकफास्ट दिया है बटर एंड ब्रेड, मेरी मम्मी ने मुझे बटर और ब्रेड लगा कर दिए. अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. आज तो ये है मेरे बटर एंड ब्रेड, तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है. और अभी मैं आपको इसको खाकर दिखाती हूँ. तो ये मेरा बटर एंड ब्रेड है, मैं अभी मिलाई कर रही हूँ, जरूर पढ़ूँगी, आप भी कभी मिलाई करना है जरूर पढ़ लेना चाहिए. ये बहुत मजबूत है और इसको भी मैं दूँगी लाइक, ठीक है. और अभी मेरा दूध मामा लेकर आई है, तो मैं दूध भी पीती हूँ और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. ये मेरी मम्मा ने जो मुझे दिया है और अब मैं इसको आप लोगों को पीकर दिखाती हूँ. बहुत मजे का है, लेकिन मैं जो दूध पी रही हूँ वो चीनी के बगैर है. मैंने अपना दूध पी लिया है, पूरा फ्रेश कर लिया है और अपना ब्रेड एंड बटर भी फ्रेश कर लिया है. और मैं आप सोच रहे होंगे मैंने एग क्यों नहीं खाया. मैंने एग इसलिए नहीं खाया क्योंकि गर्मी है और जो ना वो गर्म भी होता है और इसलिए नहीं गाइस. तो मैं इसलिए नहीं खाती, मैं कभी कभी खाती हूँ, रेगुलर नहीं खाती क्योंकि वो गर्म होता है ना और गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है. देख सकते हैं अजानें हो रही हैं, ठीक है. आपको शायद आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी वो मैं नहीं बता सकती. और अभी मैं जाकर नमाज पढ़ूंगी जहर की, ठीक है, मैं आपसे उसके बाद मिलती हूँ. तो पर फ़र्ज़ है ना, तो बच्चे बड़े बूढ़ों को सबको पढ़नी चाहिए. और वो हमारे नबी की आँखों की ठंडक भी है नमाज, तो आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा. अभी मैं भी नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ. और के जुम्मा मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है और आप अब जुम्मे को अपने नेल्स काटें, नमाज़ पढ़ें, अच्छा कर रखे हैं, ठीक है. और जैसे कि आप सब देख ही रहे होंगे लॉकडाउन भी है, फिर भी हमें इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी अल्लाह मियाँ की नेमतें हमें अभी भी मिल रही हैं, ठीक है. मैं तो इतनी छोटी सी बच्ची हूँ, लेकिन आप लोग तो बड़े हैं ना. और उसमें से जो मेरे व्लॉग देखते हैं, जो मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं, वो छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, गर्ल्स बॉय कुछ भी हो सकते हैं. आप लोग गर्ल्स हैं, अगर बॉय हैं तो अपने पापा के साथ सुरमा लगा के, इत्र लगा के, नहा धो के अपने पापा के साथ मस्जिद जाइए और अपने पापा, आप जो भी कहते हैं पापा या पप्पा, उनके साथ जाइए, नमाज पढ़िए, ठीक है. और गर्ल्स तो आपको पता ही होगा घर में ही नमाज पढ़ती हैं. और अभी मैं अभी हमारी मेरी मम्मा लंच बना रही हैं बिरयानी, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, ठीक है. तो मेरी बिरयानी रेडी हो गई है जो मेरी मम्मा ने बनाई है, और वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसी लग रही. बहुत प्रीटी लग रही है और बहुत ब्यूटीफुल लग रही है बिरयानी, है बहुत अच्छी लग रही है. और अभी जो इसका टेस्ट, अभी तो ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, अब देखते हैं खाने में भी ब्यूटीफुल लगेगी. गाइस तो ये मेरी बिरयानी है, ठीक है, आप देख सकते हैं. और मैं बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लूँगी, आप लोगों को बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लेना चाहिए. और मैं नमाज़ पढ़ कर आ गई हूँ. बहुत मज़े की है और इस रेसिपी से मैं दूँगी लाइक, बहुत मज़े की बनाई है मेरी मम्मा ने बिरयानी. और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस किस को बिरयानी पसंद है और किस किस को नहीं.